गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल तन्नू पापा जी के। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर को, जिसे हम नरेशन के रूप में जानते हैं। यहाँ बेटा नरेशन की हम यदि बात करें तो नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही होता है, यानी कि यहाँ पर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को बनाने को सीखेंगे, विशेष तौर से उन सेंटेंसेस को जहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस सीखने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। यहाँ हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस हैं बेटा। मॉन्टी सेड टू तनु, मॉन्टी ने तनु से कहा, कॉमन डेट कॉमस बिगिन, डू दे राइट अ लेटर, क्या वे एक पत्र लिखते हैं। इसे हम चेंज करते हैं अपने इनडायरेक्ट में और लीजिए ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। Monty asked Tanu if they wrote a letter. Second sentence लेते हैं। Mahesh said to Suresh, "Where did you live?" Indirect हम इसको बनाते हैं और देखते हैं बेटा। Mahesh asked Suresh where he had lived. ये indirect sentence हमने बना लिया है। एक और sentence बेटा, the principal said to the girl who teaches you English. इसे भी हम indirect बनाते हैं और लीजिए ये भी indirect बन गया है। The principal asked the girl who taught her English. क्या direct से indirect बनाना इतना ही आसान है? नहीं, direct से indirect बनाना इतना आसान नहीं है। तो क्या कठिन है? जी हाँ, यदि ये rules regulations को हम ठीक से नहीं समझते हैं तो निश्चित रूप से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना बहुत कठिन है। और यदि हम रूल्स रेगुलेशंस को एक बार ध्यान से समझ लें तो फिर आप बड़ी आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजिंग कर सकते हो। तो चलिए समझ लेते हैं कुछ रूल्स के लिए। सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस आया है वो सेंटेंस कैसा है, यानी कि वह सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होना चाहिए। सबसे पहले हमको ये ध्यान देना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि यदि दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है, उसे हम जो है जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वहां कुछ विशेष नियमों का हम इस्तेमाल करते हैं, उनका यूज करते हैं। समझ लेते हैं जनरल रूल्स ऑफ डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस। कब? जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब शे टू, सेज टू, शेड टू को आस्क, आस्क और आस्क्ड में बदलना होगा। कॉमा रोटेड कॉमास के स्थान पर यहाँ जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है इसके वाक्य के अनुसार हमें इफ या वेदर में से कोई एक लगाना होगा, या फिर क्वेश्चन वर्ड लगाना होगा, या फिर हू लगाना होगा। इनडायरेक्ट सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, उसे हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर देते हैं। एक विशेष बात और हमको ध्यान रखनी होगी इन सेंटेंसेस में, और वो है कि इनडायरेक्ट सेंटेंस की जो बाकी संरचना होगी वो एसर्टिव फॉर्म में होगी। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नियम है बेटा। इसके आधार पर ही हम कंजक्शन के बाद जो सेंटेंस बनाएंगे वहां हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि कंजक्शन के बाद की जो बाकी संरचना होगी वो एसर्टिव फॉर्म में ही होगी। आज हम ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को स्टडी करने जा रहे हैं जहां पर रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज किया गया है। जब हम ऐसे सेंटेंसेस को स्टडी करने जा रहे हैं उस समय हमें यह जरूर पता होना चाहिए, अवश्य जानकारी होनी चाहिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और उन्हें अध्ययन की सरलता के लिए हम कितने भागों में विभाजित कर देते हैं। उसी को समझने के लिए हमने आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट दिया गया बेटा, हम इसे समझ लेते हैं कि हम लोग अध्ययन की सरलता के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस को तीन भागों में अपनी सुविधानुसार कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोगों ने क्या रखा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस वे प्रश्नवाचक वाक्य, हिंदी की जब बात करें तो उनमें क्या शब्द सबसे पहले हमारा आ जाता है, क्या होगा? सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा, और यदि हम उसके अंग्रेजी बनाते हैं तो उसे हम अपनी हेल्पिंग वर्ब से ही प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो सेंटेंस है डू दे राइट ए लेटर, ये हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप रूप में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। इन्हीं बातों का हमें ध्यान रखना होगा जैसे कि हम रूल्स को आगे स्टडी करते जाएंगे। आप वीडियो को स्किप किए बिना, वीडियो को जगह जगह छोड़े बिना कंप्लीटली वीडियो को देखिएगा बेटा। यहाँ हम एक ही वीडियो क्लास में इंटरोगेटिव सेंटेंस पर आधारित सभी
डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को स्टडी करने जा रहे हैं। सेकंड टाइप सेंटेंस की बात करें तो वे हिंदी वाक्य जिनके बीच में प्रश्न करने वाले शब्द, जैसे कि यहाँ पर कहाँ प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है और यहाँ इसे हम इंटरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस कहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक चिन्ह हूं, दैट मींस कौन। ये जो आप देख रहे हैं बेटा कौन, ये जो कौन है ये आता है, दैट मींस भाई हम उसे इंटरोगेटिव थर्ड टाइप सेंटेंस के अंतर्गत स्टडी करते हैं। ऐसे वाक्यों में जो हूं होता है बेटा यही वाक्य का कर्ता होता है, इसमें हमें अलग से कर्ता लगाने की, अलग से सब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस इन्हें हम तीन भागों में विभाजित कर देंगे, इंटरोगेटिव फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। प्रश्न वाचक फर्स्ट में हम उन सेंटेंसेस को लेंगे जिनमें हिंदी वाक्यों में क्या पहले आएगा, सेकंड में उन्हें लेंगे जिनमें हिंदी वाक्यों में बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, और थर्ड टाइम हम उसको लेंगे जिनमें कौन प्रश्नवाचक शब्द आएगा, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इनकी अंग्रेजी बना लेते हैं। अब एक एक करके हम तीनों ही पार्ट्स में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के बारे में समझ लेते हैं। यदि दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाएगा, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस का यूज किया जाएगा, ये हम देख पा रहे हैं। यदि ऐसा होता है कि इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का यूज किया जाता है तब हमको क्या करना होगा, क्या करना होगा, हम रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू, सेट टू के स्थान पर हम क्रमशः इनको आस्क, आस्क, आस्क में चेंज करेंगे, और यहाँ पर कॉमन डेट कॉमास के स्थान पर हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। दोनों में से हम किसी का यूज कर सकते हैं, लेकिन सुविधानुसार हम लोग बात करें तो हमें इफ का यूज करना चाहिए, वैसे आप वेदर का यूज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क जो भी होगा हमारे सेंटेंस में हमें उसे हटा देना होगा और उसके स्थान पर हमें फुल स्टॉप लगा देना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इनडायरेक्ट सेंटेंस की जो बाकी संरचना है वो असर्टिव होनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक सेंटेंस बेटा हम लोगों ने ले लिया है, प्रिया सेड टू कपिल इज राजू ए गुड बॉय। इसको हम इनडायरेक्ट बना लेते हैं। प्रिया आस्क्ड कपिल इफ राजू वॉज अ गुड बॉय। तो हमने क्या करना है, ये जो हम सेड टू देख पा रहे हैं इसे हमें चेंज कर देंगे आस्क्ड में। इसे किसमें चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। जे और यहाँ बेटा कॉमा, इनवर्टेड कॉमा जो हमें रखा है इसके स्थान पर हमने क्या लगा देना है, इफ या वेदर में से कोई एक हम यहाँ पर इफ लगा लेते हैं। इसके बाद क्या है बेटा, यहाँ हमें विशेष ध्यान रखना है कि कंजक्शन के रूप में जब हम इफ का इस्तेमाल कर देंगे उसके बाद बाकी की संरचना एसर्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एसर्टिव हो जाएगी। दैट्स मींस भाई हम सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे। एसर्टिव सेंटेंस की हम बाकी संरचना की बात करें तो वहां सबसे पहले एसर्टिव सेंटेंस आता है और वहां सब्जेक्ट के बाद फिर हमें वर्ब लगाना है। वर्ब के रूप में हमने यहाँ पर वॉच का इस्तेमाल किया है, इसको हमने वॉच क्यों कर दिया हमें अभी आपको समझाता हूँ बेटा, और उसके बाद ये हमारा ए गुड बॉय ये ऑब्जेक्ट है, ये से हमने बाद में रख दिया है। तो यहाँ इसको हमने वॉच किया हुआ है और यहाँ राजू जो सब्जेक्ट है जो इसके बाद आया हुआ है इसे हमने यहाँ पहले लिखा है और इसको यहाँ बाद में लिखा है, ऐसा क्यों हुआ है। यहाँ हमारी वाक्य संरचना क्या बता रही है, इट इज इंटरोगेटिव, और यहाँ कंजक्शन के बाद की जो वाक्य संरचना होगी वो एसर्टिव फॉर्म में होगी, इसलिए हमने यहाँ पर राजू को पहले लगाया है और इसको वॉच किया है। देखते हैं हमने इसको वॉच क्यों किया है। रूल क्या होता है बेटा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो हमारा सेड टू है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेंटेंस में उसमें जो भी टेंस इस्तेमाल किया गया है उसे हम पास्ट फॉर्म में कर देते हैं। कैसे, जैसा कि आप यहाँ टेबल में देख पा रहे हो बेटा, आप इसे पॉज करके समझ सकते हैं ठीक प्रकार से कि यदि हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो उसके लिए रूल्स हमारे सामने होंगे कि टोटल प्रेजेंट पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टू पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में। इस प्रकार से टेबल के अकॉर्डिंग आप इसे समझ सकते हो कि हम टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं। हम इस टेबल में बड़ी आसानी से समझ सकते हैं बेटा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में जो हमारा टेंस परिवर्तन होता है, जो हमारे काल में परिवर्तन होता है, वो यहाँ इस टेबल के अकॉर्डिंग हम वहाँ कर देते हैं। आप यहाँ वीडियो को पॉज करके इस टेबल को समझ सकते हो। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। अनिल सेड टू मोहन, डस रवि गो टू स्कूल। इनडायरेक्ट बनाते हैं इसका और हम लोग देखेंगे कि इट इज आवर इनडायरेक्ट सेंटेंस। सेड टू को हमने चेंज किया है आस्क्ड में और यहां कॉमा कॉमास के स्थान पर
हमने इफ का इस्तेमाल किया है, जैसे कि अभी हमने समझा, ये हमने इफ का इस्तेमाल किया यहाँ, और यहाँ पर रवि वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पर डज रवि गो, ये सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और यहाँ पर हम इसमें क्या चेंजिंग करेंगे टेंस के आधार पर, पास्ट इंडेफिनिट में, और यहाँ से आगे का जो सेंटेंस है वो एसर्टिव होना चाहिए। अब एसर्टिव की बात करें तो ये एफर्मेटिव फॉर्म में है, क्योंकि एसर्टिव सेंटेंस को हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर एसर्टिव सेंटेंस का ये एफर्मेटिव है, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस का क्या हम फॉर्मूला रखते हैं, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमने गो की सेकेंड फॉर्म को यहां रख दिया है, इस प्रकार से हम इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से कुछ सेंटेंसेस और बेटा मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और उनको ध्यान से समझने की कोशिश करें। इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं कि शेष सभी रूल्स पर आधारित बेटा मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन दिए गए सभी वाक्यों को आप अपनी वीडियो को पॉज करें और इन्हें समझें, जिसके आधार पर आप अपने इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बड़ी आसानी से समझ पाओगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि ये जो हमारे सेंटेंसेस हैं जहां पर इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस का यूज किया जाता है, उन्हें किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब चलते हैं अपने उन सेंटेंसेस की ओर जहां पर ये जो हमारा सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच, यहां पर इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप सेंटेंस का यूज किया जाता है, यानी कि यहाँ इस सेंटेंस को क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट किया जाएगा। हमारे सामने बेटा एक सेंटेंस है, हम देख सकते हैं, रवि सेड टू द मैन वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव, ये कैसा सेंटेंस है बेटा, ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस हो गया इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, यानी कि वे इंग्लिश सेंटेंसेस जिन्हें क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू किया जाता है उन्हें हम इंटरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस कहते हैं। अब इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएं, उसके लिए हमें कुछ बातें जान लेनी होंगी, और ध्यान रखना होगा कि यदि दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस का यूज किया जाता है, क्या ध्यान रखना होगा, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंसेस का यदि यूज किया जाता है कहां पर, रिपोर्टेड स्पीच में, तब हम लोग क्या करेंगे, सामान्य सी चीजें हमारे सामने होंगी कि रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू, सेड टू, ये बेटा सेम रहेंगे, इन्हें हम आस्क आस्क आस्क्ड में चेंज कर देंगे, और यहां हम क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे किसके स्थान पर, कॉमा इनवर्टेड कॉमास के स्थान पर। ये जो हमारे कॉमा इनवर्टेड कॉमास होंगे इसके स्थान पर हम अपने क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल कर देंगे, बाकी शेष नियम वही होंगे, जैसे कि क्वेश्चन मार्क को हटाना है, फुल स्टॉप को लगाना है, और इनडायरेक्ट सेंटेंस की जो बाकी संरचना होगी वो एसर्टिव फॉर्म में होगी। सेंटेंस है, ए बॉय सेड टू द फादर, कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, हाउ डू आई रीड द बुक, इसे हम इनडायरेक्ट बना लेते हैं। ए बॉय आस्क्ड द फादर व्हाट ही हैड द बुक, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ रूल्स के अकॉर्डिंग हम सेड टू जो हम यहाँ पर देख रहे हैं इसे हम किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में, और ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर कॉमा इनवर्टेड कॉमास के स्थान पर हमने क्या किया है, उसी प्रश्नवाचक शब्द को हम यहाँ पर ले आए हैं जिससे इस सेंटेंस को स्टार्ट किया गया था। उसके बाद क्योंकि बाकी संरचना एसर्टिव होती है इसीलिए हम यहाँ व्हाट के बाद अब वाक्य का सब्जेक्ट लेकर आएंगे, यहाँ आई वाक्य का सब्जेक्ट है और इसे हमने रूल्स के अकॉर्डिंग ही में चेंज कर दिया गया है। आप यहाँ पर बेटे प्रोनाउन चेंजिंग के रूल्स को देख रहे हैं और प्रोनाउन से संबंधित हमने कुछ रूल्स आपको बताए थे कि प्रोनाउंस में हम कैसे चेंजिंग करते हैं। पर्सन की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं इन्हें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट पार्ट, ऑब्जेक्ट पार्ट और पजेसिव पार्ट के रूप में अध्ययन किए जाते हैं। इस पर आधारित बेटा हमारी अपनी एक वीडियोस है, उसे आप जाकर अपने प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहां आपको इसके विषय में बेहतर जानकारी मिल जाएगी। तो इसी टेबल के अकॉर्डिंग और रूल्स के आधार पर हम यहाँ पर आई को ही में चेंज किए हुए हैं। लेते हैं बेटा एक और सेंटेंस, रवि सेड टू द मैन कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन वेयर डू यू लिव। रवि ने एक व्यक्ति से कहा तुम कहाँ रहते हो, इसे हमने इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट के लिए रवि आस्क्ड द मैन वेयर ही लिव्ड, तो हम लोगों ने देखा बेटा यहाँ उसी तरीके से सेट टू को हमने किसमें चेंज किया हुआ है, हम लोग देखें सेट टू को हमने वहां आस्क्ड में चेंज किया, और यहाँ हम लोग बात करते हैं कॉमा इनवर्टेड कॉमास की,
तो इसके स्थान पर हमने किसका यूज किया है, यहाँ वेयर का यूज किया है। ठीक उसी प्रकार से जैसा कि हमने ऊपर के सेंटेंस में किया है, इस वेयर को ही हमने यहाँ पर कंजंक्शन बना दिया है, क्योंकि जिस प्रश्नवाचक शब्द से रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आरंभ होता है उसी प्रश्नवाचक शब्द को हम इनडायरेक्ट बनाते समय कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर वेयर कंजक्शन हो गया है और यहाँ से आगे का जो सेंटेंस होगा वो एसर्टिव होगा, इसीलिए वेयर के तुरंत बाद हम यहाँ पर ऊपर के दिए गए सेंटेंस के सब्जेक्ट को ले आते हैं, यानी कि यू को हम लोग यहाँ ले आते हैं। अब यू को हमने किस फॉर्म में इस्तेमाल किया, यहाँ ही के रूप में, इसे भी हम लोग अपने प्रोनाउन के चैप्टर में समझ सकते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यू सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन के चेंजिंग हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पर होती है, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर द मैन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसके अनुसार हम जो है चेंज करेंगे किसका, यू को चेंज करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर ही से संबंधित है मैन बेटा, क्योंकि किसी भी सिंगुलर मास्कुलाइन जो जेंडर होंगे, पुरुषवाचक जो एक वचन संज्ञा होंगी, उसे हम ही के कैटेगरीज में रखेंगे, यानी कि ये यहाँ पर हिम है और उस टेबल के अकॉर्डिंग, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसे ही में चेंज कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर सेड टू एक रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किए हैं, इसलिए यहाँ पर जो है लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड आया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इस सेंटेंस में चेंजिंग्स हुई वो कौन कौन सी चेंजिंग है, यहाँ सेट टू को आस्क्ड में चेंज किया गया है, कॉमा इंडेंटेड कॉमास के स्थान पर हमने यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल किया है, जो कि हमारे इस सेंटेंस का इंटरोगेटिव वर्ड भी है जिससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने देखा बाकी की जो संरचना है वो एसर्टिव फॉर्म में है, इसलिए कंजक्शन के बाद ही का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया है। तो इन सभी रूल्स के आधार पर हम लोगों ने बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया, यानी कि एक एग्जाम्पल लिया वन और सेकेंड एग्जाम्पल ये लिया, इन दोनों में हमने जैसे भी समझा है इसी प्रकार से बाकी की जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं और मैं भी हम इसको समझ सकते हैं, उन्हें मैं एक साथ आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, आप अपनी वीडियो को पॉज करके उन्हें बीच बीच में रोककर देख सकते हो। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बेटा, ये भी हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं ठीक उन्हीं रूल्स को अप्लाई करके बनाए गए हैं, जिससे कि आपको समझने में और आसानी हो जाए। चलते हैं अपने इंटरोगेटिव थर्ड सेंटेंस की ओर, जब उसका प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में किया जाता है। इंटरोगेटिव थर्ड सेंटेंस पर आधारित बेटा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। रवि मुझसे कहता था कौन स्कूल जाता है, यहाँ पर हमारा सेंटेंस कौन स्कूल जाता है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है कौन स्कूल जाता है, ये क्या है, ये इंटरोगेटिव थर्ड सेंटेंस है। क्या है ये, थर्ड टाइप सेंटेंस है। तो इस प्रकार की कंडीशन में हम किस प्रकार से हम नियमों का यूज करें कि हम इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट बना सकें, समझ लेते हैं। इंटरोगेटिव थर्ड टाइप सेंटेंस, ऐसी कंडीशन पर लोग क्या करें, क्या करना है, यदि दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव थर्ड टाइप सेंटेंस का प्रयोग किया जाए, रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव थर्ड टाइप सेंटेंस का यूज किया जाए, तो हमें क्या करना होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस के जो सामान्य रूल है बेटा वो सेम रहेंगे, सिर्फ चेंजिंग कहाँ होगी कि यहाँ हम अपने कॉमेंटेड कॉमास के स्थान पर यहाँ हूं का यूज करेंगे, यानी कि कंजक्शन के रूप में यहाँ पर हूं का यूज किया जाएगा, ये चेंजिंग होगी, बाकी सभी सेम होगा। जैसे कि से टू, सेज टू, शेड टू को हमको आस्क 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 में चेंज करना है, और यहाँ पर हम लोग बात करें क्वेश्चन मार्क को हटाना है, फुल स्टॉप लगाना है, और सेंटेंस एसर्टिव में होगा इनडायरेक्ट बनने के बाद, वो सामान्य रूल सेम रहेंगे। एक विशेष बेटा क्वेश्चन होता है इन सेंटेंसेस में जिनमें हूं का यूज किया जाता है, ये सब्जेक्ट का भी काम करेगा हूं और कंजक्शन का भी काम करेगा, इसको हम समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि हूं जो बेटा होता है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, यानी कि उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में स्टडी करते हैं, वो हमारे सब्जेक्ट का भी काम करता है और इंटरोगेटिव वर्ड का भी काम करता है, यानी कि डबल पार्ट ऑफ स्पीच में यूज किया जाता है, दोहरे रूप में हम उसे इस्तेमाल करते हैं, और आगे उसकी जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है बेटा कि उसका यूज हम डबल नंबर्ड के रूप में भी करते हैं, यानी कि दोहरे वचन के रूप में, उसका यूज हम सिंगुलर फॉर्म में भी करते हैं, उसका यूज हम अपने प्लूरल फॉर्म में भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं इस अंतर के लिए कि कौन भोजन खा रहा है, हु इज ईटिंग द फूड, और कौन भोजन खा रहे हैं,
फूड। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं, मैंने एक एरो मार्क से आपको समझाने की कोशिश की है, जो ब्लू कलर एरो मार्क आप देख पा रहे हो, सब्जेक्ट वही है डब्ल्यू एच ओ हूं, इसके साथ एच का यूज हो रहा है, वही सब्जेक्ट यहाँ पर है डब्ल्यू एच ओ हूं, यहाँ पर आर का यूज हो रहा है। तो हम लोग देखें कि ऐसा क्यों होता है, हम लोग यहाँ बात करते हैं कि कौन भोजन खा रहा है, रहा है सिंगुलर फॉर्म, यानी कि यहाँ पर कौन का यूज, कौन का मतलब जो भी यहाँ व्यक्ति है वो सिंगुलर है। और आगे देखें कौन भोजन खा रहे हैं, रहे हैं, रहे हैं का मतलब कौन के स्थान पर कुछ अधिक लोग हैं, दो या दो से अधिक लोग हैं जिनके लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं। दैट्स मीन्स हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि हूं का यूज सिंगुलर फॉर्म में किया गया है या प्लूरल फॉर्म में किया गया है, ये जानकारी हम सब्जेक्ट को देखकर नहीं कर सकते, बल्कि हिंदी का वाक्य हो या इंग्लिश का वाक्य हो, दोनों ही वाक्यों में वाक्यों की जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, वो हमें यह बताती है कि हूं का यूज यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में किया गया है या प्लूरल फॉर्म में किया गया है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया और ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है जब हम अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंजिंग करें। चलिए समझ लेते हैं। अब दिए गए हिंदी सेंटेंस को, ये जो हमारे सामने हिंदी सेंटेंस दिया गया है, इसे हम पहले इंग्लिश में चेंज कर लेते हैं और उसके बाद उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। ये हम लोग उसको चेंज करते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है, पहले से हम इंग्लिश में चेंज कर लेते हैं। रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा, यानी कि रवि मुझसे कहता था। हू गोज टू स्कूल, कौन स्कूल जाता है। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है, कौन स्कूल जाता है, इसमें कौन शब्द यहां सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमने यहां पर इस वाक्य की संरचना को किस फॉर्म में रखा है, एसआरटी फॉर्म में, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तेजी से हम इसे इनडायरेक्ट बना लेते हैं बेटा, और ये हमारा इनडायरेक्ट, रवि आस्क्ड मी हू वेंट टू स्कूल, इसे समझ लेते हैं। यहां सेड टू के स्थान पर हमने किसका इस्तेमाल किया है, वही आस्क्ड, जैसा कि अभी हम लोग पहले समझ चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पर कॉमनटेड कॉमर्स के स्थान पर हमने यूज किया है हूं का, बस ये समझना है आपको, कॉमनटेड कॉमर्स के स्थान पर हूं का इस्तेमाल किया गया। अब ये कंजक्शन हो गया, हूं कंजक्शन हो गया, अब यहां से आगे सब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन इन वाक्यों का सब्जेक्ट हूं ही होता है, इसीलिए हूं के तुरंत बाद ही हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की वर्ब को लगा देते हैं। इस प्रकार हम यहां पर गोज को कर देंगे बेंट एंड टू स्कूल। तो दो जो चीजें हम लोग देख पा रहे हैं बेटा, जो मैंने आपको येलो कलर शेडेड किए हुए हैं, इन दो को आपको विशेष ध्यान से समझना है, हैं? यहां पर हमने सेट टू को हमने चेंज किया है, किसमें चेंज किया है, आस्क्ड में। क्यों किया है, इसका रूल क्या है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो हम सेट टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। कॉमा एनोटेटेड कॉमास के स्थान पर हमें क्या करना होगा, हूं को हम लोग यहां पर कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हूं एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए यहां पर अलग से सब्जेक्ट लाने की आवश्यकता नहीं होगी, उसके आधार पर हम हूं के ही बाद वाक्य की जो भी वर्ब होगी उसको नियमानुसार लगा देंगे। इस प्रकार हमारे सामने सेंटेंस बन गया था बेटा, रवि आस्क्ड मी हू वेंट टू स्कूल। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है बेटा, हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसको समझने के लिए, आसानी से समझ माने के लिए बेटा मैंने हिंदी साथ ले रखी इनकी। रवि ने गोपाल से कहा, कौन एक कार चला रहा है, तो रवि सेड टू गोपाल हू इज ड्राइविंग अ कार, इसका हम लोग इनडायरेक्ट बना लेते हैं और समझ लेते हैं इसी प्रोसेस को एक बार फिर से। सेड टू को हमने किस में चेंज किया है, आस्क्ड में। अब हमने इसे आस्क्ड में क्यों चेंज किया है, क्योंकि यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है, ये इंटरोगेटिव है, इसलिए हमने सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया है। अब यहां पर कॉमा एमिटेड कॉमास को हम लोग क्या करेंगे, इसे हू में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, इसे हू में चेंज कर देंगे। अब इसे हू में चेंज किया गया, क्यों, क्योंकि यहां पर जिस किसी भी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाएगा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से पहले, उसको ही हम अपना कंजक्शन बना देते हैं। तो हमने यहां पर हू को क्या किया हुआ है, हू को हमने यहां कंजक्शन बना दिया, अंडरस्टैंड, और अब इसी हू को हम बना देते हैं अपना सब्जेक्ट, इसे हम अपना अब सब्जेक्ट बना देते हैं।
और इसके अकॉर्डिंग हमने किसका यूज किया है, अपने वर्ब का यूज कर लिया है। इसके अकॉर्डिंग हम अपने वर्ब का यूज किए हैं, क्योंकि यहां पर ये जो इज है इसको हम पास्ट में चेंज कर देंगे। इस प्रकार हु वॉज ड्राइविंग ए कार, हम अपने दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। इसी प्रकार के कुछ सेंटेंसेस बेटा मैं आपके लिए और समझाता हूं, आपने एक बार देख लीजिएगा वीडियो पॉज करते हुए। ये आपके लिए कुछ एग्जांपल्स और हैं जो आपको इस रूल्स को समझने में हेल्प करेंगे, इन्हें आप ध्यान से समझ सकते हैं, अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स और हैं बेटा आगे जो आप देख पा रहे हैं, और इससे आगे कुछ सेंटेंसेस और मैं आपको जो है समझाता हूँ, जिन्हें आप अपनी वीडियो को पॉज करते हुए इन्हें समझिएगा, एक एक सेंटेंस को पढ़िएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा कि जो स्टडी हमने अभी ऊपर की है क्या वह इन एग्जांपल्स में हमारी समझ में आ पाती है या नहीं आ पाती है, कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। और एक कुछ सेंटेंसेस और हैं आपके लिए एग्जांपल के रूप में, आप देखिएगा और बेटा समझिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आप इस इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रक्रिया को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जो हमारी प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई है। मैं आशा करता हूँ बेटा कि ये वीडियो क्लासेस आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के, वो आपके समझ में आ पाए होंगे। यदि आप ठीक से नहीं समझ पाए हैं, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में उसका समाधान आप तक डेफिनेटली पहुंचा दूंगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम स्टडी करेंगे अपने इंपेरेटिव सेंटेंस की, यानी कि दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में यदि इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है, वहां पर हम अपने इनडायरेक्ट बनाते समय किन किन नियमों का यूज करते हैं और उन्हें किस प्रकार से अप्लाई करके अपने आप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।